पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब है हमें कि एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब क्योंकि आपको मालूम है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 और 25 के लिए सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करने के दो ही मेथड हैं, एक आपका एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चे हमेशा क्या करते हैं ना, यूनिडायरेक्शनल में सोचते हैं चीज़ों को। अब एक बार वो मेथड करा दिया तो वही इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कोई भी मेथड इम्प्लीमेंट करने से पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर है। देखिए अगर आप इसमें डायरेक्ट आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको कोफिशिएंट सेम करना होंगे, और कोफिशिएंट सेम करने के चक्कर में आप इस इक्वेशन को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा, 101 से अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे 3 घंटे मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, जो आप वहाँ जाकर मिस्टेक करते हैं तो ये मिस्टेक ना हो, तो इससे बेटर है कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप चुटकियों में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड अभी डायरेक्ट आप इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अगर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको इधर ले जाएंगे, फिर 101 से डिवाइड करेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर भी आप डायरेक्ट क्या नहीं लगा सकते, आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते। तो फिर करें क्या, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ऐसे क्वेश्चन की पहचान देखिए। पहचान ये है कि इसमें x और y के जो कोफिशियंट हैं वो दूसरी इक्वेशन में इंटरचेंज हो जाते हैं। देखिए इसमें जो x का कोफिशियंट है वो इसमें y का है, इसमें जो y का कोफिशियंट है वो इसमें किसका है, x का है। तो ये तो s टाइप के क्वेश्चंस की पहचान है जिसको मैं अब मेथड से कराने जा रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। ऐड करने से आपको मिलेगी इक्वेशन थर्ड, फिर दोबारा से इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मिलेगी आपको इक्वेशन फोर, फिर थर्ड और फोर बहुत ही सिंपल इक्वेशन मिलेंगे। आप जो मेथड चाहें दोनों में से कोई सा भी लगाकर आप इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। अच्छा अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप ये फोल्डर में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करें, वहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, 1x1 आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं लगाई है तो एनसीईआरटी का ये फोल्डर सर्च करें, पहले एनसीईआरटी को कम्प्लीट करिए। बने रहे पीटी अड्डा के साथ, मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये 200, ये वन डाली 100 कितना हो गया 200x। अब ये भी सेम नंबर ही है तो ये कितना आ जाएगा 200y, इसमें वन डालेंगे 500 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से 200 आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो गया 1000 के। तो यहाँ से x प्लस वाई किसके बराबर हो गया 1000 अपॉन 200, ये मल्टीप्लाई नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, इससे ये कैंसिल कर दीजिए, तो x प्लस वाई किसके बराबर आएगा 5 के बराबर। ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड, 205 1000 होता है। देखिए कितना सिंपल इक्वेशन आ गया है आपके पास, है ना। तो डायरेक्ट इसमें एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे, दो स्टेप के बाद लगाएंगे। पहला स्टेप ये हो गया, अब इन्हीं इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीणे ठीणे ठीणे। देखिए कैसे, फिर से लिखिए इक्वेशन, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, राइट। इसको हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, राइट, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 2x, 101 में से 99 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस में आएगा, ये प्लस में कितना आएगा 2x आएगा, है ना, और ये माइनस का कितना आएगा 2 आएगा। अब इसमें से आप क्या करें, ये y है आपका, राइट, अब इसमें से आप क्या करें, माइनस टू कॉमन ले लें तो ये कितना हो गया x
माइनस टू कॉमन लेंगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर आप थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें, अदरवाइज गलती हो जाएगी यहाँ पर, है ना। आप माइनस टू कॉमन लेंगे तो प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू अपॉन माइनस टू, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और ये वन आ जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन फोर्थ, राइट। अब देखिए, अब आप इनको बहुत सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x इक्वल टू कितना हो गया 6, तो x इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई यहाँ से, है ना। देखिए कितना सिंपल हो गया। एक थोड़ी सी बस अपने को क्या करना है, ट्रिक याद रखनी है कि इसमें डायरेक्ट आप एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे, पहले ऐड करेंगे फिर क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ये वैल्यू उठा के आप रख दीजिए किसी में, फ्रॉम थर्ड, थर्ड में रख दीजिए, इसमें मत रख देना फिर से लेंथी हो जाएगा, ये थर्ड में रख दीजिए। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5, एक्स की वैल्यू 3 रख दीजिए, छेड़े छेड़े छेड़े, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, 3, 2, ये सॉल्यूशन हो गया, राइट। अगर आप यहाँ 3 रखेंगे यहाँ 2 रखेंगे तो ये टोटल सम किसके बराबर आएगा, 499 के बराबर आएगा, राइट। तो बने रहें चैनल के साथ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे फोल्डर को आप सर्च करिए, है ना। वन बाई वन अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप कंटेंट को सर्च करिए, सब कुछ आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।